महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अनिता बदेल को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली में राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास पर रात्रि भोज करने के पश्चात शनिवार को अजमेर पहुंची मंत्री बदेल का अजमेर की प्रवेश सीमा पर जोरदार स्वागत किया गया। सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नितेश आत्रेय के नेतृत्व में जयपुर रोड यूथ हॉस्टल के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत करते हुए ढोल नगाड़ों के साथ मंत्री बदेल को फूल मालाओं से लाद दिया। यहां से शुरू हुआ स्वागत का दौर जयपुर रोड गर्ग पेट्रोल पंप कचहरी रोड से होता हुआ स्टेशन रोड मार्टिनल ब्रिज से होकर सेंट पॉल स्कूल के सामने मुख्य समारोह स्थल पर पहुंचा। पूरे रास्ते अनेक व्यापारिक संगठनों, भाजपा पदाधिकारियों और दुकानदारों द्वारा बदेल को फूल माला पहनाकर नारी शक्ति पुरस्कार प्राप्त करने की बधाई दी गई। सभी लोगों ने बदेल का मुंह मीठा कराकर उन्हें शुभकामनाएं दी। पूरे रास्ते भारत माता की जय के नारे लगते रहे। कार्यकर्ता अपने मोबाइल में बदेल के साथ सेल्फी लेते नजर आए। समारोह स्थल पहुंचने पर नितेश आत्रेय के द्वारा बदेल को शौर्य का प्रतीक तलवार भेंट की गई और 101 किलो फूलों से निर्मित माला पहनाई गई। स्वागत का यह सिलसिला बदेल के धारनाड़ी रोड स्थित निवास पर पहुंचकर संपन्न हुआ। सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो काम हुआ है, महिलाओं के लिंगानुपात में जो वृद्धि हुई है, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए थे उन पर जितनी गति से त्वरित कार्रवाई हुई है, महिलाओं का चाहे जन्म लेने की बात हो, चाहे उनको शिक्षा की बात हो, चाहे उनके पोषण की बात हो, चाहे उनके स्वास्थ्य की बात हो, चाहे उनके रोजगार की बात हो, चाहे उनके स्वाभिमान की बात हो, इन सभी क्षेत्रों में भारतीय माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में प्रदेश में बहुत अच्छा काम हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप ये पुरस्कार जो है राजस्थान को मिला है। ये राजस्थान का जो पुरस्कार है वो ये सिद्ध करता है कि माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में सरकार ने जो है बहुत अच्छा महिलाओं के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। और बहुत सारी योजनाएं माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में हमने संचालित की हुई हैं, जिसमें अमृता हार्ट योजना है, महिलाओं को आयोजनक गतिविधियों में प्रशिक्षण देना है, महिलाओं को कंप्यूटर का ज्ञान उनको हो, वो समय के साथ चले, समय की गति के साथ चले, इस नाते से उनको कंप्यूटर के प्रशिक्षण का कोई कार्यक्रम हो, अपनी बेटी की कोई योजना हो, या फिर बालिका किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य की बात हो, फ्री में निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन्स बांटने की बात हो, या बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बालिका विद्यालय तक पहुंच उसकी सुनिश्चित करने के लिए फ्री में साइकिल वितरण की कोई बात हो, या फ्री बाउचर की कोई बात हो, प्रतिभाशाली बालिकाओं के लिए लैपटॉप वितरण की कोई बात हो, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सभी क्षेत्रों में, चाहे वो चिकित्सा का मामला है, चाहे वो गृह विभाग है, चाहे वो महिला अधिकारिता है, चाहे वो ICDS की सेवाओं के माध्यम से भी एडोलेसेंट बालिकाओं के स्वास्थ्य और उनको हाइजेनिक वो कैसे रहे, स्वस्थ वो कैसे रहे, उसके क्षेत्र में बहुत सारे काम गवर्नमेंट ने किए हैं और इसी का ये परिणाम है कि ये पुरस्कार जो है हमें मिला है।